तो भाई अब जब आपके थंबनेल पे किसी ने क्लिक करा है तो आप चाहते हैं कि वह आपके वीडियो को देखे, आपको एक अच्छा खासा वॉच टाइम दे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसा कौन सा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से लोग वीडियो आपका नहीं देखते हैं और वीडियो बीच से ही छोड़ के भाग जाते हैं या फिर वीडियो शुरू होते ही वीडियो को कट कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट बताया है जहाँ पे अगर आप वॉच टाइम खुद से बढ़ाते हैं तो आपका चैनल कैसे बर्बाद हो सकता है, आप क्या मिस्टेक करते हैं अपने चैनल को खुद से वॉच टाइम बढ़ाकर। दोस्तों आपने YouTube पे ऐसा बहुत वीडियो देखा होगा जिसमें बताया होगा कि भाई सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ मन करे तहाँ वीडियो शूट कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये चल रहा है 2021 और 2021 में आपको वीडियो बनाने के लिए एक छोटा मोटा सेटअप चाहिए ही होगा। अब दोस्तों आपने ऐसा बहुत वीडियो देखा होगा कि वो बताते हैं कि भाई आपको कंटेंट में दम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 2021 में आपके कंटेंट में दम होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा खासा सेटअप भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी ओल्ड यूट्यूबर हैं जो पहले से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, उनके पास एक बहुत ही अच्छा खासा सेटअप हो चुका है, तो लोग उनकी वीडियो छोड़ के आपके वीडियो क्यों देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार ऑडियंस आपके सेटअप से आपको जज कर लेता है दोस्तों कि आप कहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हो। यदि आपका एक अच्छा खासा सेटअप है दोस्तों तो वहाँ पर ऑडियंस का थोड़ा वॉच टाइम बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बड़ा यूट्यूबर है, इसके पास एक अच्छा प्रोफेशनल सा सेटअप है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप एक अच्छा खासा सेटअप बना लें, नहीं तो आप ग्रीन स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑडियंस को एक अच्छा वॉइस देने के लिए आपको 2021 में आपको हेडफोन से काम नहीं चलेगा, आपको एक अच्छा माइक लेना पड़ेगा। दोस्तों हेडफोन का जो माइक होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों वो उतना भी अच्छा नहीं होता है कि आपके ऑडियंस को एक क्लियर वॉइस दे सके जिससे कि वो सुन के एक अच्छे से समझ सके आपके बात को। तो आपको एक माइक में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। आप ये बोया का माइक ले सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों कैमरे के नाम पे आप अपना फ़ोन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि आपके फ़ोन में जो कैमरा है दोस्तों वो इनफ है आपके वीडियो को क्लिक करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये भी जो वीडियो अभी शूट हो रहा है ये फ़ोन के कैमरे से ही शूट हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन के कैमरे से भी बहुत अच्छा खासा वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जब आपके वीडियो में ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो ऑडियंस आपके वीडियो को देखना पसंद करेगी, उसको वीडियो अच्छा लगेगा। और मान लीजिए दोस्तों वीडियो में मेरा फेस ही ब्लर आ रहा है या फिर अच्छा से नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे अपने वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया है, उसमें बहुत ही अच्छा यूनिक नॉलेज है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे मेरा वॉइस ही क्लियर नहीं जा रहा है तो मेरे वीडियो को कोई क्यों वॉच करेगा, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो आपको अपने वॉइस क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब दोस्तों जो पॉइंट नंबर दूसरा है वह है प्रेजेंटेशन स्किल। दोस्तों 2021 में भी मैंने कई ऐसा चैनल देखा है जिनको वीडियो बनाने में शर्म आती है, फिर वीडियो में बोलने में शर्म आती है, वो वीडियो के सामने बोलते हैं हेलो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला। दोस्तों आपको बोलने में थोड़ा सा एनर्जी लाना पड़ेगा, ये 2021 है, यहाँ कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, आपको हर फील्ड में अभी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल को भी सुधारना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक बनाया जिसके ऊपर हजारों वीडियो है, लेकिन दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आपके बनाने का जो तरीका है वो अच्छा है दोस्तों, तो आपके वीडियो को लोग सर्च करके देखेंगे। चाहे वहाँ पे हजारों वीडियो इस टॉपिक पे बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों लोग आपको सर्च करके देखेंगे उस टॉपिक के बारे में कि आपने वीडियो बनाया है कि नहीं, क्योंकि आपका वीडियो का जो प्रेजेंटेशन स्किल है दोस्तों वो बहुत ही बेटर है। और दोस्तों आप किसी को कैसे बताते हो, उसको कैसे समझाते हो, वहाँ पर दोस्तों उसके जहन में ये बात जाती है और वह दोस्तों उसके माइंड में हमेशा घूमता रहता है। और दोस्तों आपका मोटो यही होना चाहिए कि जिसने भी आपके वीडियो को देखा एक बार उसको लत लग जाए आपके वीडियो की, वह बार बार आके आपके वीडियो को देखे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। तो आपको ऐसे अपने वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक करना होगा, अपना प्रेजेंटेशन स्किल सुधारना होगा। अब दोस्तों वीडियो के बीच बीच में आपको कुछ ऐसा वर्ड बोलते रहना है जिससे कि अंदर से एनर्जेटिक फील हो, वीडियो देखते देखते लोगों को बोरिंग ना लगे। आपको वीडियो के बीच में कुछ फनी बात बोल सकते हैं या फिर कुछ फनी वगैरह कर सकते हैं, जिसमें कुछ जोक वगैरह कुछ भी। दोस्तों आपने टेक बर्नर के वीडियोज़ देखे होंगे, उनके वीडियो हर वीडियो में मिलियंस में व्यूज आता है, जबकि लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके जोक की वजह से टेक बर्नर के वीडियो में मिलियंस में व्यूज आता है। तो आपको अपने वीडियो में ऐसा कुछ बोलते रहना होगा ताकि लोगों को एक अच्छा
इम्पैक्ट पड़े आपके वीडियो पे, उनके जहन में ये वीडियो जाए और उनके दिल पे ये वीडियो लग जाए, ताकि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और आगे भी आपके वीडियो को देखते रहे। तो आपको अपने वीडियो में कुछ फनी क्लिप्स वगैरह डालते रहना चाहिए, या फिर आजकल तो मीम्स बहुत आ गए हैं, आप अपने वीडियो में जहां पर भी लगे थोड़ा एक दो मीम लगा दीजिए दोस्तों। इससे दोस्तों आपके वीडियो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव होगा और लोग आपके वीडियो पे वॉच टाइम जरूर देंगे। अब दोस्तों जो ऑडियंस आपको वॉच टाइम नहीं देती है, उसका अगला कारण है दोस्तों, आप किसी भी टॉपिक पर बहुत ही डीप कन्वर्सेशन करने लगते हैं। आपको दोस्तों टॉपिक कितना भी इंटरेस्टिंग हो, चाहे उसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके दोस्तों, आप उसको शॉर्ट बनाइए। और दोस्तों आप उस टॉपिक को शॉर्ट नहीं बना सकते तो उस वीडियो को आप पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कीजिए और अपने चैनल पर बारी बारी से अपलोड कीजिए। अब दोस्तों जब आप कुछ भी बात में डीप कन्वर्सेशन करते हैं दोस्तों, तो ऑडियंस आपके वीडियो को वहां पे स्किप कर देती है, क्योंकि उसको थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है। तो आप अपने वीडियो में डीप कन्वर्सेशन कम कीजिए और अपने जितने भी वीडियो में फालतू के बात बोले हैं उसको कट कर दीजिए। इससे आपका वॉच टाइम बहुत ही हद तक इम्प्रूव होगा। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बोला था कि यदि आप अपना वॉच टाइम खुद से बढ़ाते हैं तो उसके आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आपने YouTube पे ऐसा बहुत चैनल देखा होगा जो आपको बताते हैं कि भाई आप एक दिन में अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोलता कि वॉच टाइम नहीं बढ़ता है दोस्तों, यहाँ से वॉच टाइम सच में बढ़ता है। आप मुझे खुद बताइए कि आप अपना वॉच टाइम खुद से बढ़ाकर और चैनल मोनेटाइज करके क्या कर सकते हैं। बाद में आपकी वीडियो में जो एड्स आएगा वो एड्स खुद देखिएगा और खुद कमाइएगा दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप अपना वॉच टाइम कभी खुद से मत बढ़ाइए। और दोस्तों गलती से भी यदि अगर यूट्यूब को ये भनक लग जाती है कि आपने वॉच टाइम खुद से बढ़ाया है तो आपका चैनल कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमें यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब के खिलाफ नहीं, यूट्यूब के साथ रहकर यूट्यूब के रूल्स के साथ काम करना है। और यूट्यूब का ये कभी भी नहीं है कि वॉच टाइम खुद से बढ़ाइए और चैनल को मोनेटाइज करा लीजिए। तो दोस्तों आप अपना वॉच टाइम कभी भी खुद से मत बढ़ाइए, आप जेन्युइन जो वॉच टाइम आ रहा है आप ऑडियंस से वॉच टाइम लेने का कोशिश कीजिए। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक और टिप दे देता हूं कि लोग बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाते हैं, बेस्ट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं दोस्तों, लेकिन एडिटिंग में साइपर कैफे वाला एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग में ऐसा ट्रांजिस्टर डालते हैं सस्ते वाला जो काइन मास्टर में आता है दोस्तों, ये आपके वीडियो को पूरा बिगाड़ देता है। तो आपको अपने वीडियो में कभी भी कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जैसा वीडियो बनाया दोस्तों वो बेस्ट है। आपने ऐसा बहुत वीडियो देखा होगा कि उनकी वीडियो की शुरुआत में ही इंट्रो दो चार घुसेड़ देते हैं, सिर दौड़ रहा होता है, शुरू में फॉलो करो सब्सक्राइब करो दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको अपने वीडियो में खुद से ज़्यादा प्रचार नहीं करना है कि मुझे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, ये कर लो वो कर लो। आप जब शुरुआत कर रहे हैं, आपको वॉच टाइम चाहिए दोस्तों, तो आप सिर्फ वीडियो में काम के बात कीजिए, वरना ऑडियंस स्किप करेगी दोस्तों, और आपके वीडियो में जहां अच्छा पार्ट होगा वो आएगा भी नहीं, और आपका ऑडियंस आपका वीडियो पहले ही छोड़ के भाग जाएगी। तो आप अपने वीडियो में सिर्फ प्रमोशन कम कीजिए और साइबर कैफे वाले एडिटिंग करने से बचिए। आप अपने वीडियो में एक अच्छा एडिटिंग करिए, और आपको एडिटिंग यदि नहीं आती है तो आप यूट्यूब पर बहुत ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।